कथा आरंभ होती है। सतगुरु जी वाहिगुरु परमेश्वर निर्गुण स्वरूप की उस्तत करते ने, निर्गुण स्वरूप की बरकत दी बरकत निर्गुण स्वरूप के नावां का उच्चारण करते हैं। श्री जाप साहब दी जिहड़ी समुची व्याख्या है धन गुरु अर्जन देव साहब जी दे पवित्र श्लोक दे आधार उत्ते मन्नी जा सकती है कि सारी ही व्याख्या जाप साहब दी इस पवित्र श्लोक दी व्याख्या है। रूप ना रेख ना रंग किश त्रिहो गुण ते प्रभ भिन्न तिसह बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न। मेरे हिसाब दे नाल जिन्नी भी जाप साहब की व्याख्या है ये इस श्लोक नू समझण वास्ते गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच जिन्ना भी निर्गुण स्वरूप का चिंतन आया है, व्याख्यान आया है, कथन आया है, उस दी ये व्याख्या श्री जाप साहब करता है। तां सतगुरु सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज तिना दी बाणी श्री दसम ग्रंथ की बाणी इहदे बारे नाम रसीए महापुरश ब्रह्म ज्ञानी श्रीमान संत ज्ञानी सुंदर सिंह जी खालसा पिंडरांवालिया ने बहुत सार रूप निचोड़ रूप तात्परज रूप बचन किते ने जिथों सानू समझ पै सकती है भी दसम ग्रंथ की बाणी का पंथ दे विच स्थान कित्थे होना चाहिए ते पंथ विच इस दी किन्नी अहमियत है। महापुरशां दे बचन डॉक्टर शेर सिंह जी ने तिना दे अमृत रूपी जीवन दे विच लिखे ने पवित्र जीवन दे विच। डॉक्टर शेर सिंह जी कहिंदे दास ने पुछिया सी संत ज्ञानी सुंदर सिंह जी खालसा पिंडरांवालिया नूं कि महापुरशो दसम ग्रंथ बारे तुहाडा की विचार है। तां संतां ने जिहड़ा जवाब दिता है अज भी उन्ने उच्चे विचार सोहना जवाब बेशकीमती विचार अज भी पंथ की अगवाई कर सकते ने जे उन्हां विचारां नूं मन लिया जाए। तो संता आख्या डॉक्टर साहब दसवें पातशाह की बाणी दो तरह की है, एक ते है जिहड़ी उह धुर तों लैके आए धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई जिवें श्री जाप साहब है श्री अकाल उस्तत है जां आदि गुरु ग्रंथ साहब दीआं बाणीआं ने। दूसरी दसम ग्रंथ दे विच उह साखियां ने उह इतिहास है उन्हां साखियां दा उलथा है गुरमुखी भाषा दे विच ब्रिज भाषा दे विच जिहड़ीआं गुरमत ते नहीं है पर गुरमत दे समझण दे विच सहयोग दिंदियां ने। गुरमत की व्याख्या करन दे विच बड़ा वड्डा सहयोग है उन्हां दा। हुण इत्थे सवाल पैदा हो सकदा है तुसीं आपदे कोलों गल बना ली है कि गुरमत विच धन गुरु ग्रंथ साहिब दे विच इहो जी प्रमाण उदाहरणां आउंदियां ने जिन्हां नूं समझण वास्ते दसम ग्रंथ पढ़ना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर धन गुरु नानक देव साहब का शब्द है जिहदी व्याख्या दसम ग्रंथ के विच विस्थार सहित दित्ती गई है ते गुरु ग्रंथ साहब च सिर्फ नावां का जिक्र आउंदा है।
उदाहरण के तौर पर महाराज जी के बचन आप जी के संगत नाल सांझे करां। दुरमत हरनाक्स दुराचारी प्रभ नारायण गर्भ प्रहारी प्रहलाद उधारे कृपा तारी। एक हरनाक्स का जिक्र है। हुण नंबर दो, आ पिछे जे दशहरा लंघ के गया बड़ा रौला पै रहा सी, रावण चंगा बंदा सी, रामचंद्र भगवान जी होए ने, समय दियां गल्लां हुंदियां, इह कलयुग का समा है, वेख लो सोच बदल जांदी समय दे नाल। अज रावण नूं भगवान बनाया जा रहा ते राम जी नूं रावण दे थां खड़ा कीता जा रहा। विचारधारा बदलती रहिंदी है पर सच ते सच ही रहेगा। दूसरी उदाहरण गुरु नानक देव साहब ने रावण की दिती है। महाराज कहिंदे भूलो रावण मुगध अचेत। ये मुगध ते अचेत का की अर्थ हुंदा है? ये आपे कर लेना चाहिदा है। भूलो रावण मुगध अचेत, लंका लूटी सीस समेत, गर्भ गया बिन सतगुरेत। हुण रावण का विस्थार सहित जिक्र पढ़ना है तो रामा अवतार पढ़ना पवेगा श्री दसम ग्रंथ के विच, नहीं तो फिर संस्कृत सीखनी पवेगी। तो वाल्मीक जी की रामायण ते योग विशिष्ट जी का वैराग रूपी ग्रंथ पढ़ना पवेगा। योग विशिष्ट बड़ा भारी बड़ा बेशकीमती ग्रंथ है, ज्ञान का खजाना है। हुण तीसरी उदाहरण गुरु नानक देव साहब ने श्री गुरु ग्रंथ साहब च दित्ती जी की व्याख्या दसम ग्रंथ करता है, होर किते जिक्र नहीं मिलता है। सिखां दे जिहड़े ग्रंथ ने उन्हां विचों दसम ग्रंथ विच जिक्र मिलता है। तीसरी उदाहरण की है? सहस बाहो मद कीट महखासा, तीन नां ने जी, सहस बाहो मद कीट ते महखासा। हुण सहस बाहू कौन होया है? हजारां बाहवां वाला अर्जन, उहदा जिक्र किथे आवेगा? दसम ग्रंथ च आवेगा। मद कीट दैंत होए ने, चिकन तास जल पर तिर रही, जिहदा जिक्र विचित्र नाटक दे विच वी शास्त्रां मुताबक धरती किदां बनी है उत्थे जिक्र कीता। गुरमत अनुसार नहीं, पुराणा मुताबक धरती किदां बनी है, वी मद कीट राक्ष मार के बनी। गुरमत अनुसार की है? वह भी जिक्र आउंदा है, ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त, ओंकार की है जिन चित, ओंकार सहल युग भये, ओंकार वेद निर्भये। पुराणक साहित की जानकारी भी मद कीट कौन सी, तो दसवें पातशाह दस दे भी मैं तुहानूं दसदा मद कीट कौन सी, जिहदा भगवान विष्णु जी नाल जिन्हां दा 5000 साल युद्ध होया, दो जाने सी ते भगवान कल्ले सन। इसे तरह महखासा, महखासुर कौन सी, जिहदा जिक्र चंडी दी वार, चंडी चरित्र पहले दूजे ते चंडी दी वार च आया। कमाल की बुद्धि है दसवें पातशाह की, पहला उन्हों चंडी चरित्र पहले च अंकित करते हैं, सवैये ते कबित पता लगता है कि कोई विद्वान सत पुरख अवतारी पुरख बाणी उचार रहा। दूसरा जिहड़ा चंडी चरित्र है उसे कथा नूं चौपियां ते दोहरे च संगीत भुजंग प्रयाद छंद दे विच उसे चीज़ नूं, एक चीज़ नूं वक्रे छंदां च बयान किया। पहली च कबित सवैये वरते, दूजी च चौपियां दोहरे ते संगीत भुजंग प्रयाद छंद निक्के छंद वरते, जिन्हां दियां मात्रावां बड़ियां थोड़ियां ने, एडे वड्डे विद्वान। हुण उसे चीज़ नूं तीसरा पंजाबी च उचारण करनगे जिहनूं चंडी दी वार कहिंदे आ गुरमुखी भाषा च। एक रचना नूं तीन तरह बयान किया दसवें पातशाह दी शैली। महखा सुर दा जिक्र गुरु नानक देव साहब ने किया पहला, दसवें पातशाह ने नहीं, दसवें पातशाह ने ते बाद च दसवें सरूप च चंडी दी वार लिखी। तां महाराज की कहिंदे आ? सहस बाहो मद कीट महखासा, हरनाक्ष ले नखो विदासा, दैंत संघारे बिन भगत अभ्यासा। हुण चौथा जिक्र गुरु नानक देव साहब करनगे जिन्हां दा जिक्र सानू दसम दे विच्चों मिलेगा।
ते जे बाहर लभण तुरोगे तो फिर पता नहीं 18 पुराणा दे विचों कित्थे आउंदा वा किहड़े पुराण च आ रहा है, उहदी खोज करनी पवेगी, पड़ताल करनी पवेगी, फिर कितें जाके उहनूं समझना पवेगा, पढ़ना पवेगा। चौथा जिक्र की है, जरा संध काल जमन संघारे। काल जमन कौन है, जरा संध कौन है? ये दसवें पातशाह ने कृष्ण अवतार च लिखिया। जरा संध काल जमन संघारे, रगत बीज काल नेम बिदारे, दैंत संघार संत निस्तारे। ये हुण दसवें पातशाह नहीं बयान कर रहे, ये गुरु नानक देव साहब का शब्द है, ये गुरबाणी का शब्द है, गुरु ग्रंथ साहब का शब्द है, पर इहदी व्याख्या जिहड़ी है वह दसम ग्रंथ दे विच पई हुई। तां संत महापुरख पंथ रतन श्रीमान संत ज्ञानी सुंदर सिंह जी खालसा पिंडराले कहिंदे ने कि दसवें पातशाह की जिहड़ी बाणी है ये गुरमत नूं समझण दे विच सहयोग दिंदी है। ते दसवें पातशाह ने सिखां विच एक नवां पख शुरू कीता खोज दा, वो की आ कंपैरेटिव स्टडी, दूसरे धर्मां नूं पढ़ना आपदे साहित दे बराबर, दूसरे धर्मां दी खोज करनी। ये दसवें पातशाह ने परंपरा शुरू कीती है वी दूजे धर्मां च वी पढ़ो वी की लिखिया। तां दो तरह की बाणी है महाराज की, इत्थे जी की कथा चल रही है वो श्री मुखवाग बाणी है। ते श्री मुखवाग दे विच केड़ी बाणी आउंदी है, श्री जाप साहब है, अकाल उस्तत है, विचित्र नाटक है, जां ज्ञान प्रबोध दे पहले 100 बंद कह लो, जां 125 बंद कह लो, जिथे अकाल पुरख की उस्तत आउंदी। इदां चौपी साहब है, जफरनामे की पहली हकायत है जिहड़ी श्री मुखवाग, बाकी पुराणक साहित है, साखियां ने और त्रिया चरित्र विच कुछ कहानियां ने प्रचलित ने। तां धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की किड्डी वड्डी महिमा होवेगी। सब तो वड्डी खासियत की है महाराज की बाणी नूं समझना होवे ना, जदों महाराज पूरे सरूर च आउंदे आ, पूरे रस च आउंदे, फिर एक शब्द तो टोक शुरू करते ने अखीर तक बस उन्होंने ही वरतते जाते। हुण इत्थे नमस्तंग शुरू होवेगा, नमस्तंग ही चलेगा, अगे चाचरी छंद च ऐड़ा शुरू कर देंगे ते तकरीबन 10-12 पौड़ियां ऐड़ा ही चलेगा। रूप है, अनूप है, अजू है, अभू है, ऐड़ा ही चलेगा। एक अखर तो इन्ने वाहिगुरु के नाम ये दसवें पातशाह की बुद्धि च आ सकते ने, होर किसी दे नहीं। किसी विद्वान नूं, किसी वक्ता नूं कहो भी बोल, दो चार गल्लां बोलेगा विशा बदलना पै जावे। और दसवें पातशाह की बाणी की समझ किवें पवे भी, ये दसवें पातशाह की बाणी है ते उन्हां दी एक खासियत है, एक शांदी वरतों करनगे, एक अखर की वरतों करनगे ते उही अखर चलेगा। आओ बड़े प्रेम दे नाल श्री जाप साहब की कथा, भुजंग प्रयात छंद की कथा चल रही है, आप संगत सुन दा यतन करो। मन च बिरती एकाग्र करके चौथी पौड़ी तो कथा आरंभ होण लगी है। सतगुरु जी कृपा करते हुए की फरमा रहे हैं। सतनाम वाहिगुरु जी, नमस्तंग अगंजे। अगंजे गंज कहिंदे ने नास नूं, किसे चीज नूं खत्म कर देना, नष्ट कर देना, ऐड़ा हो गया रहत। हे वाहिगुरु, तेरा नाश नहीं हुंदा है, तू खत्म नहीं हुंदा है। जेड़ा वाहिगुरु परमेश्वर खत्म नहीं हुंदा, नाश नहीं हुंदा, ऐसे वाहिगुरु नूं नमस्तंग मेरी नमस्कार है। गंज का अर्थ पंजाबी च हुंदा रोग, गंज आदक रोग। हे वाहिगुरु परमेश्वर दी, तू रोग रहत है। आप जी तो रोग कट्टण वाले हो, रोगां तो बचाउण वाले हो, परमात्मा नूं कोई रोग नहीं, गंज आदक।
असी तो सगो बेनतियां करते हैं रोगन ते अरसोगन ते जल जोगन ते बहु भांत बचावे। असी तो रोज पढ़ते हैं रखिया दे शब्द ताती बाहु न लगे पार ब्रह्म सरणाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना भाई। जिस वाहिगुरु परमेशर नू गंज आदक कोई रोग नहीं है ऐसे वाहिगुरु जी नू दसवें पातशाह कहिंदे मेरी नमस्कार है। नहीं तो हर इंसान नू हर जीव नू कोई ना कोई रोग गुरबाणी मुताबक लगा होया। विस्तार दा समा नहीं संखेप जी बेनती करा। ऐड़े दा अर्थ जिथे महापुरश विद्वान रहत करदे ने निषेध करदे ने उथे ऐड़े दा अर्थ विशेषता करके भी हुंदा। गंज दा अर्थ की है गिणती मिणती फारसी दे विच गिणती किसी चीज का हिसाब रखना। हे वाहिगुरु परमेशर जी तू सारे ही संसार का हिसाब रखना है ऐड़ा आ गंजे ऐड़ा विशेष करके गंजे ख्याल रखता है हिसाब रखता है। सब तेरे ख्याल च ने सब तेरी निगाह च ने तेरे ध्यान च ने सारे। ये कौन कहिंदा है गुरबाणी कहिंदी है सब नदरी अंदर रखदा जेती सिस्ट सब कीती सब ओदी निगाह च। जां फिर दसवें पातशाह कहिंदे ने सदीव सर्व लोक के कृपाल ख्याल में रहे हमेशा ओदे निगाह च रहिंदे ने तुरंत द्रोह दे के अनंत भात सोदहे। जां धन बाबा फरीद साहब कहिंदे फरीदा पिछल रात ना जाग्यो जीव दड़ियो मोयो जे तैं रब विसारिया तां रब ना विसरियो। तां गंज कहिंदे ने गिणती नूं गिणती तो भाव की लैणा है ख्याल हिसाब रखना निगाह च रखना भाव अर्थ है। भाव अर्थ होर हुंदा है अखरी अर्थ होर हुंदा है। जेड़ा वाहिगुरु परमेशर सब नू अपने ख्याल च रखता है निगाह च रखता है नदर च रखता है जां गंज कहिंदे ने नाश नू ऐड़े दा अर्थ इत्थे हुण की करना विशेष करके तू सब दा ही नाश करन वाला है। जिते जीव जंतंग सो दुनियं उपायं सवे अंत कालंग बली काल काएं। जो भी संसार दे विच पैदा होया है एक दिन उहदा नाश होना है खत्म होना है ते जिहड़ा खत्म करन वाला है भाव की हो गया पैदा करन वाला पालन वाला ते लै कर देण वाला जिहड़ा परमेशर है उहनू मेरी नमस्कार है। जां फिर नमस्तंग गंजे हे वाहिगुरु परमेशर जी गंज गिणती ऐड़ा जी रहत कर दिए गिणती मिणती दे विच तेरे कारज तेरे पारोपकार नहीं आ ना तू आप गिणती च है बाकी सब गिणती जी दसो गिणती च है कि नहीं है उम्र भी तो गिणती जी है। गिणती तो बाहर है कि अज तक जे कोई कवे मैं अद्धा घंटा सिमरत करदा तो अद्धा घंटा की है गिणती है। पर सियाने महापुरश जवाब देंदे इस गल दा वो कहिंदे टाइम गिणती च हो सकता है किरिया गिणती च हो सकती है कर्म गिणती च हो सकता पर जिहड़ा रब दा नाम लैना ये ना भुलेखे ना गिणती च लिया। माला गिण ली भी किन्नियां फेरियां पर माला दे उत्ते जिहड़ा नाम फेरिया वो ना किते गिणती च लै क्यों गिणती च आउंदा नहीं वो मिणती च आउंदा नहीं। तेरे गुण तेरे कारज तेरे परोपकार तेरियां दातां वाहिगुरु परमेशर जी कौन गिण सकदा। आपां पढ़दे ना तेरे कमन कमन गुण गह गह गावां तू साहिब गुणी निदाना
तुमरी महिमा वर्णना साको तू ठाकुर ऊच भगवाना। तां इस तरह महापुरश अगंजे शब्द दे बेअंत अर्थ करदे ने। ता सतगुरु जी अगे कृपा करदे होए फरमाउंदे हन, नमस्तं अपंजे, पंज कहिंदे ने नास करना, खत्म करना, भन्न देना, नष्ट कर देना, सुट देना। हे वाहिगुरु जी, आप जी का सरूप कदी भी नाश नहीं हुंदा, आप जी नू नमस्कार है। नमस्तं अनामे, हर चीज का नाम मन्या गया पर परमात्मा दे निर्गुण सरूप का कोई नाम नहीं। वो जोत रूप है, प्रकाश रूप है। नाम किदा हुंदा है? शरीर का, रंग रूप का। जिहड़ा गुणहीन परमात्मा है, इत्थे गुण का मतलब तीन गुण जिन्हां तों शरीर बनता है। जिहड़ा त्रिहो गुण ते प्रभ भिन्न, जदों उहदा शरीर ही नहीं, रंग रूप ही नहीं, तो फिर नाम की? इस करके वाहिगुरु जी आप जी नाम तो रहत, आप जी नूं नमस्कार है। हुण जिन्ने नाम आपां संसार दे विच रखे ने, सारे किरतम नाम ने, जिहड़े उहनां ने परोपकार कीते ने। जिवें चार साहिबजादे वारे परिवार वारिया, असीं की नाम रखिया? सरबंस दानी। जिहड़ा कर्म कीता, कर्म तो नाम पिया। नीले दी सवारी करदे सी, नीले दा शाह सवार। भगवान कृष्ण ने अपनी शायद चीची ते पहाड़ चुकता सी, की नाम पै गया? गोवर्धन धारी। जेड़ा कोई काम कीता ओ नाम असी जपदे हां, पर जेड़ा रंग रूप रहत परमात्मा दा निर्गुण स्वरूप है, उहदे विच शरीर ही नहीं, ते फिर नाम की? इस करके हे वाहिगुरु, तू नाम रहत है, आप जी नू नमस्कार है। जे अनामे शब्द नू वखरा वखरा कीता जावे तो निकलेगा विच्चों अन आमे। इस गल की गवाही गुरबाणी विच भी आउंदी है, किरतन नाम, किरतम नाम कथे तेरे जेहवा, सत नाम तेरा परा पूरबला। गुरु ग्रंथ साहिब च भी लिखी यही गल लिखी। जे अनामे नू होर तोड़िया जावे, शब्द नू वखरा कीता जावे, भिन्न भिन्न कीता जावे, तां की निकलेगा? अन आमे। आम की हो गया? रोग, बीमारी। अन की हो गया? रहत। परमात्मा रोग रहत है। जो जो दिस है सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। इस तरह महात्मा लोकां ने, संतां साधुआं ने, विद्वानां ने दसवें पातशाह की पवित्र बाणी श्री जाप साहिब विच उस वाहिगुरु की सिफत करदियां बड़े बड़े अर्थ करन दा जतन कीता है। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेते। जे ऐड़े शब्द का अर्थ विशेष करिए, ना तू जप तप नाल वस च आया, ना तू तीर्थ नात्या वस च आया, ना तू पढ़िया वस दे विच आया है, तेरी प्राप्ति किदां हुंदी है? नाम जपण करके, विशेष करके। जिहड़ा नाम साढ़े सतगुरां ने सानू दिता, वाहिगुरु गुरमंत्र है, जप होमै खोइ। कादे वास्ते? अपनी सुरती सिमरती नूं, सुरती नूं, ध्यान नूं, लिव नूं टकाउण वास्ते नाम, साफ करन वास्ते नाम, बाणी दा अभ्यास सुरती बिरती नूं साफ करन वास्ते। ता विशेष करके नाम रूपी साधन नाल ही वस चाहुंदा है। ते जे निर्गुण स्वरूप दे अर्थ करिए, फिर निर्गुण ते
रूप रंग रहत है फिर नाम की है, जिदा चक्कर चेहनी नहीं तो फिर नाम की है, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपना आप ही है। तो महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे नमस्कार है उस परमात्मा नूं, क्यों? एक नाम बिना नहीं कोट ब्रिति इम वेद उचारत सारस्वती, जो वारस के चस्के रासें ते भूल ना काल फदा फसे। ज्ञान प्रबोध दे विच सारे कर्मां दा जिक्र करके एक गल कह दिंदे है नाम के अधीन, सिर्फ नाम जपण करके प्राप्ति सौखा साधन है, कोई भी जप सकता है। ता इस प्रकार महापुरशां ने निर्गुण ते सरगुण रूप लैके कई कई अर्थ करन दा यतन कीता है। नमस्तं अठामे, थाम कहिंदे ने जगह नूं, संज्ञा है थां है, जगह है घर है, आप विशेष किसे थां ते नहीं वसदे रहत। ये नहीं भी परमात्मा किसी एक धर्म नहीं अपने काबू च किया तो उन्होंने मंदिर च ही रहिंदा होगा, और बार कितने है ही नहीं। जिवें इस्लाम कहिंदा वह मक्के च ही है, इधरले पासे है, महाराज कहिंदे नहीं तू हर थां ते ही है। तां विशेष करके किसी थां तो जगह तो आप रहत हो हे वाहिगुरु परमेश्वर जी, क्यों? क्योंकि तुसी ते हर जगह ही हाजिर, हर थां ते हो, नाम ठाम ना जात जाकर। नमस्तंग अनामे ते नमस्तंग अठामे, ऐसे वाहिगुरु परमेश्वर जी नू नमस्कार है। नमस्तंग अकर्मं, हुण कर्मां दी बड़ी डूंगी व्याख्या है, कर्मां दा हिसाब किसे नू समझ विच नहीं आउंदा। ये कौन कहिंदा गीता विच भगवान कृष्ण कहिंदे ने भी कर्मां दी गति बड़ी गहन है, ये समझ तो परे है। हे वाहिगुरु परमेश्वर जी, दो तरह कर्म कई तरह दे ने, पर सौखा जे अर्थ करिए शुभ कर्म ते अशुभ कर्म, माड़े ते चंगे। आप कर्मां तो रहत जां कर्मां दा बंधन नहीं पैंदा तुहानूं, बाकी जिन्ना संसार है, जब लग जाने हों किश करता तब लग गर्भ जोर में फिरता। बाकी जिन्ना संसार है जेहा बीजे सो लुणे, कर्मा संधड़ा खेत, शरीर धरती मनी गई है, शुभ अशुभ कर्म विच बीजे जा रहे, ओहो जिहा फल मिलेगा, ओहो जी फसल मिलेगी जे ओ जे बीज बीजे होणगे। असी कर्म करके अज ही चाहते हाँ भी रब मिले, रब की प्राप्ति होवे, वाहिगुरु की बरकत मिले, पर न्याणा जम्मण नूं भी तो 9 महीने लग जाते हैं, भी जदों तू जम्मिया सी तू पहले दिन ही आ गया सी, भी अज ही पाठ करें तो अज ही रब मिल पे तेनों। अखीर संसार च आउंदिया भी 9 महीने लगे ने, जिहड़ा कर्म किया उहदा फल एक दिन मिलेगा। जिहड़ा बीज बीजिया है, अज नाम जपना शुरू किया, इहदा फल एक दिन मिलेगा। पर इत्थे निर्गुण स्वरूप की गल चल रही है कि वाहिगुरु परमेश्वर जी तू कर्मां दे अधीन नहीं, जिदा असी दुनियावी लोग कर्मां दे अधीन, जिहो जे बीजे उहो जे वढ़दे पए आ, जिहो जे कर रहे उहो जे गां भोगांगे। ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਐਸੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਧਰਮੰ, ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਗਹਿਨ ਵਿਆਖਿਆ। ਧਰਮ ਧੀ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਧਾ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਆਸਰਾ। हे वाहिगुरु परमेश्वर जी, तुसी किसे खास धर्म तो मजहब तो दीन तो रहत हो। हा सच जेड़ा सी ना कोई पैगंबर ने नहीं बोलिया, सारिया ने कहा नहीं साडे च ही मिलता है। हिंदुआ आख्या साडे च ही रब है, मुसलमाना आख्या साडे करके ही मिलता, वैसे मिलता ही नहीं।
मजहब जेड़े ने दीन धर्म जेड़े ने ये तो रस्ते ने उदी प्राप्ति दे। ते जे सवाल पैदा होवे जां कीता जावे भी केड़ा धर्म चुनना चाहिए भाई तां जिहदे च जिहदा जन्म होया सवाल बनिया ही नहीं रब ने तेनू पैदा किथे कीता सी जिथे पैदा किया उस धर्म नूं निभाओ चाहुंदा सी। धर्म की है रस्ते ने मंजिल नहीं इस राह ते तुरोगे ते मंजिल ते पहुंच जाओगे। इस करके आप जी विशेष किसी खास धर्म तो ऐड़ा मैंने रहत हो आप नूं नमस्कार है। जां धर्म कहिंदे ने अंता करन दीआं बिरतियां नूं मन दे धर्मां नूं जिवें शरीर दा धर्म की है सुभा की है जम्मणा ते मरना मन दा धर्म की है सुख ते दुख खुशी गमी ये मन दे धर्म ने शरीर दे नहीं सट शरीर ते लगदी है दुखी मन हुंदा है। मन दे धर्म की है सुख दुख खुशी गमी जीव आत्मा दे धर्म की है आना जाना प्राणा दा धर्म की है खाना पीना ये की हो गए धर्म सुभा सवास साडे किहदे ते खलोते ने रोटी ते पानी ते छड के वेख लो नाले करोना वायरस ते बहाना की बनिया पिया है कहिंदे आ भी मुड़न दिंदे ही नहीं ऊं ही टीका ला दिंदे ई तगड़ा होवे पैरवाई करके बाजे बाजे जिहदे पिछे कोई ना गया ऊं ही टीका ला के कीर्तन सुला पढ़ी जांदे ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਮਨ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਉਮੈ ਜੀਵ ਭਾਵ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭੋਗਣਾ ਬੜੇ ਧਰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਰਹਿ ਤੋਂ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਸਿਰਫ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਵੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਗ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਧਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਐਸੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਐੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਧਰਮ ਸਰੂਪ ਹੋ जे धर्म तो बिना मिल पैंदा ते फिर धर्म बनदे क्यों जे गुरु तो बिना मिल पैंदा ते गुरु संसार च आउंदा ही क्यों धर्म ते चलोगे तां मिलेगा पर इत्थे शंका होगी ना भी पहला अर्थ करता आ धर्म धर्म तो रहत उहदा अर्थ की होया फिर हुण जे गुरबाणी वल वेखीए ते गुरबाणी कहिंदी है तद्दै धर्म धर्मापुर गुणकारी मन धीरा तद्दै धूल पड़े मुख मस्तक कंचन भय मनूरा धन धरनी तर आप अजोनी तोल बोल सच पूरा करते कीमित करता जाने कह जाने गुरसूरा इत्थे ते धर्म सरूप कहा गया वही धर्म ते चलेगा ते मिलूगा पर पहला अर्थ की सी तुसी किसी खास धर्म के खरीदे हुए नहीं हो भी जिदा ये चर्चा चल दिया ना भी जो मुसलमान बनेगा तो ही रब मिलेगा तेन भी रब की कोई तुसी रजिस्ट्री नहीं कराई भी तुहानू ही मिलेगा इस करके खास धर्म तो रहत इत्थे की आ खास
खास करके धर्म स्वरूप हो जे धर्म के निजमां दी अंगां दी सिक्ख्या दी पालना करोगे तो फिर मिलेगा। जिन्हें भी ये मेहनत की है जिनी नाम त्याया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वो आप भी तरे ने होरां नूं भी तारिया। सिर्फ धर्म दे विच जम्मण करके नहीं मिलता भी तुसीं हिंदुआं घर जंपे तो तुहानूं रब मिलपूगा तुसीं मुसलमाना घर जंपे ये कोई उत्थे छोट नहीं आ रब की दरगाह दे विच भी तू फलाने दे जंपिया ते तेरा काम ठीक है। बिना कमाई तो नहीं जे किसी ने विशेष करके धर्म की कमाई की है तो उन्हें प्राप्ति हुई है। इस करके धर्म स्वरूप भी महाराज कहते मेरी नमस्तंग नमस्कार है। तो सतगुरु जी दसवें पातशाह अगे कृपा करते हुए फरमाते हैं नमस्तंग अनामंग। हे वाहिगुरु परमेश्वर जी आप नाम तो रहत हो आप जी नूं नमस्कार है। नमस्तंग अतामंग ताम तुसी घर तो रहत हो जगह तो रहत हो किसी खास जगह जां थां ते बजे नहीं आप जी नूं नमस्कार है। नमस्तंग अजीते जां एक अर्थ होर करदे ने आ तामंग तुसी विशेष करके तामंग प्रकाश रूप हो चानण स्वरूप हो आप जी नूं नमस्कार है। नमस्तंग अजीते हे वाहिगुरु सच्चे पातशाह जी तुसी जीते जितण तो रहत आप जी नूं कोई जित नहीं सकता है। आप जी नूं दास दी महाराज कहिंदे ने दसवें पातशाह कहिंदे नमस्कार है जां जीत कहिंदे जीवत भाव अशुद्ध होमे जीव पुणा जमणा मरना ऐसे जीव पुणे तो भी सच्चे पातशाह जी आप जी रहत हो। नमस्तंग अपीते पीत कहिंदे हन डर नूं हे वाहिगुरु परमेश्वर जी आप डर तो रहत हो निरभौ स्वरूप हो निरभौ निरवैर पीत कहिंदे डर नूं तां डर तो रहत स्वरूप वाहिगुरु परमेश्वर जी नूं नमस्कार है। पीत कहिंदे कंध नूं दीवार नूं पीती कह दिंदे हन दीवार कंध जल की पीत पवन का थंबा रगत बूंद का गारा हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंखी पसे बेचारा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा जैसे तरवर पंख बसेरा। ता पीत की है कंध दीवार कंध दा भाव अर्थ की हो गया पर्दा। हे सच्चे पातशाह तेरे विच माया दा अविद्या दा पर्दा नहीं जय अशल अशेद अभेद समाया उहां किसे व्यापत माया आप जी दे विच अविद्या रूपी पर्दा नहीं। पीत कहिंदे कंध नूं कंध तो कंध की हुंदी जड़ आप जी विच जड़ता नहीं ऐसे स्वरूप नु नमस्कार है। महाराज कहिंदे हन नमस्तंग अबाहे बाहा कहिंदे ने शरीर दे अंगां नु हे वाहिगुरु सच्चे पातशाह जी जिवें बाहर शरीर दे अंग हुंदे ने इदां निर्गुण स्वरूप दे विच कोई अंग नहीं प्रतख अंगां तो आप जी रहत हो। बाहा कहिंदे ने वहण नु कोई चीज वहिंदी है पंजाबी दे विच जिवें नदी वहिंदी पई है भाव अर्थ की होया चलाए मान हे वाहिगुरु सच्चे पातशाह जी तुहाडा स्वरूप चलाए मान तो रहत है। बाह कहिंदे ने बाहन सवारी नूं जिवें भगवान जी की सवारी गरुड़ मन्नी गई है किसी की सवारी कोज है किसी की सवारी कोज है पर यह सब कुछ सरगुण रूप दे विच या निर्गुण दे विच कोई भी उहदी सवारी नहीं क्यों क्योंकि पहला ही उत्थे हाजर है हर जगह के उत्ते बैठा होया ऐसे स्वरूप नूं महाराज कहिंदे नमस्कार है। नमस्तंग अटाहे नमस्कार है वाहिगुरु जी नूं जिहड़ा वाहिगुरु परमेशर ताहे मैंने ढहिंदा नहीं मिटदा नहीं खत्म नहीं हुंदा है जां इधर जिहड़े दरिया का एरिया हुंदा है नदी करके
ਉਹਦਾ ਕੰਡਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ। ਢਾਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਸਰਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਢਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ। ਉਰਾਰ ਤੇ ਪਾਰ ਦੋ ਕਿਨਾਰੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੋ ਹੱਦਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜਾਂ ਢਾਏ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਭਲਵਾਨ ਲੜਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਲੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਢਹਿ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ, ਆਪੇ ਗੋਪੀ ਕਾਨ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਬਨ ਆਪੇ ਗਊ ਚਰਾਹਾ, ਆਪੇ ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਵੰਸ਼ ਵਜਾਹਾ, ਕਵਲੀਆ ਪੀੜ ਆਪ ਮਰਾਇਂਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਰ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਚਾਹ ਆਪ ਅਖਾੜਾ ਪਾਇਂਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੂਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੇਸੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਲੀ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਿਆਣਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਢਹੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਢਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਆ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਆਪੇ ਗੋਪੀ ਕਾਨ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਬਨ ਆਪੇ ਗਊ ਚਰਾਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਢਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਲਊਂਗਾ, ਹਰਾ ਲਊਂਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਲੀਯੁੱਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹਉਮੈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਰੀਅਲ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ, ਦੋ ਸਾਨ ਭਿੜਦੇ ਹੋਣ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਛਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਗੂਠਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸਲ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਮੋਹਰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਘੋੜੇ ਸਿਣੇ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਢਾ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਢਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਹਾਂ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਉੱਚਤ ਮਾਲੜਾ, ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਨੇਹ ਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ। ਇਹਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਢਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਢਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਢਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਮਸਤੰ ਅਨੀਲੇ, ਨੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੰਗ ਆਦਿਕ ਨੂੰ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੰਸਾ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਚਿੱਟਾ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਲਾਲ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਸੀ, ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪੀਲੇ ਪਸੰਦ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਾਲੀਯੁੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੇ ਨੇ ਨਿਹ ਕਲੰਕੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਉਣਗੇ? ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਾਲਾ ਰੰਗ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਗਾ ਰੱਤਾ ਪੀਲਾ ਕਾਲਾ,
कि चारां युगां दे विच चार रंग अवतारी पुरशां दे पहिंदे हन। तां इस तरह हे सच्चे पातशाह आप जी इन्हां रंगां रूपां तों भी आप जी रहत हो। इसे तरह नील दा अर्थ हुंदा नीला, जदों किसी दे सट वजदी है तां उहदे दाग पै जांदा, उहनूं नीला दाग पैंदा है, आपां कहिंदे नील पै गया, की हो गया दाग लग पै गया, दाग की हो गया दोष। तां नील दा अर्थ इह वी नीले रंग दा अर्थ इह वी हुंदा वा वी दोष लगना किसे, कलंक लग जाना किसी नूं, इह भाव अर्थ मन्निया गया है। हे वाहिगुरु सच्चे पातशाह जी आप जी दोष तो रहत कलंक बिना निकलंकी सरूपे हो। इसे तरह नील कहिंदे ने गिणती नूं, दस हजार अरब की गिणती नूं नील कहा जाता है। फिर बेनती करा लख नहीं करोड़ नहीं अरब नहीं दस हजार अरब, इनू नी एक नील कहा जाता जो दस हजार अरब कट्ठा हो जाए भी एक नील है। इस तरह भी वाहिगुरु परमेश्वर के गुणा का कारजा का पारोपकारा का दाता का बरकतों का जे इन्नी भी कोई गिणती कर लवे ना नील जिनी, तां भी उहदे दाता उहदे कारज उहदे पारोपकार उहदी बरकत ये गिणती च नहीं आउंदी। महाराज कहिंदे नमस्तंग अनीले नीले दे विच काला भा मारदा है, काले दे विच नीला भा मारदा है। एक बारी गल है अपने श्रीमान सचखंड वासी ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा ठाकुर सिंह जी दी। बाबा जी उदों अमेरिका तो आए शरीर छड्डण तो पहला थोड़ा चिर, उत्थे कोई सज्जन आया सी पढ़िया लिखिया मैते दे विच कोई वाहवा सिंह रहिंदे सन, उन्हें एक सवाल किया सारिआं नूं बई सतगुरु जी कहिंदे ने नील बस्तर ले कपड़े पहरे तुरक पठाणी अमल किया, भी नीले कपड़े पहने ने ये अमल मुसलमाना दा है। ये उन्हें सवाल किया भी मुसलमान हुण नीले ते पाउंदे नहीं, फिर इत्थे नीले दा अर्थ की है, हुण उत्थे होर कोई अर्थ ते कर ही नहीं सकदे, जे करोगे ते फिर राम राय वाली होगी। फिर भी मुसलमान ते नीले कपड़े पाउंदे ही नहीं, तां उदों दी गल है वाहवा चेते आ गई 2004 दी। उदों सवाल कीता सी किसे ने ते जवाब हुण मिलिया जाके न्याय दे विच नीले दा अर्थ काला भी कीता ते काले दा अर्थ नीला भी कीता। जिथे नील शब्द आवे शास्त्री भाषा च उत्थे दो अर्थ हो जांदे आ, एक नीला भी ते एक काला भी। अज वेखो किन्ने चिर बाद इहदे अर्थ होर भी महापुरखां ने टीके च कीते ने लड़ीवार कथा च कीते ने, पर उदों इन्ना ध्यान नहीं सी देईदा ते नाले ऊं हासे च ही टाल छड्डिया भी किड्डी दूरों इह नीला रंग ही पुछण आया वा भी तूं चुप करके रब दा नां जप किहड़े चक्कर च पै गया तूं, किड्डी दूरों चल के नीला रंग पुछण आया दस। तां इदां टाल छड्डिया मखौल च पर जवाब नहीं आया, काफी सिंघां नूं भी पुछिया तां जिहड़े चंगे विद्वान सी उह बाबा जी नाल हुंदे सी, बाहर बाहरले देशां चले गए कथा करदे सी, जिहड़े संतां दी कथा सुणदे उहनां नूं ते पता ही आ सारे जवाब। तां न्याय दे विच नीले नूं काला भी कहा गया है, नीले च काला भाव हुंदा है ते काला जिहड़ा है उह मौत दी निशानी मन्नी गई है, सोग दी निशानी मन्नी गई है। जिवें हरा हरियाली का प्रतीक, चिट्टा शांति का प्रतीक, लाल प्रेम का प्रतीक, लाल रंग तिसको लगा जिसके बड़ भागा,
प्रेम का प्रतीक इदा काला सोग का प्रतीक मनिया जाता है। कि वाहिगुरु परमेश्वर कोई सोग है किसी वस्तु दे आउण करके खुशी हो गई जान करके सोग होंदा ही है संजोग वजोग करके संसार दे विच इदा तां महाराज कहिंदे नमस्तंग नीले हे सच्चे पातशाह जी आप जी इहो जे सोगां तों जां काला अर्थ काले रंग दा अर्थ हुंदा कलंक भाव अर्थ ने रंग कोई माड़ा नहीं ता आप जी कलंक तो बिना हो सोग तो बिना हो गिणती तो रहत हो ते प्रतख भी कोई रंग रूप नहीं जोत स्वरूप प्रकाश स्वरूप हो नमस्तंग अनादे। इसे तरह नमस्कार है अनादे अन आद नु आद मैने मुड मूल कितों शुरू होया कारण जिवें दुनिया विच हरेक चीज का कारण है बच्चों का कारण माता पिता है फसल कितों पैदा होंदी उहदा कारण बीज है घड़ा कितों बनिया उहदा कारण मिट्टी है इवें हर चीज़ का कोई कारण है वाहिगुरु परमेश्वर नूं भी किसी ने पैदा किया उहदा भी कोई कारण तां कहिंदे नहीं एक ही है जिहड़ा कारण तो रहता बाकी सब चीज़ ही संसार च जो भी है सब कारण दे सहत ही इत्थों तक कि दुनिया बनी ये भी कारण करके ही है ता इस करके महाराज कहिंदे हे सच्चे पातशाह आद मैने उत्पत्ति मुढ कारण अन मैने रहत आप जी कारण तो रहत स्वरूप हो सदीव हो सनातन हो कोई नहीं जान सकता आप जी दे मुढ नूं ता ऐसे वाहिगुरु परमेश्वर नूं अनादे कहा गया है आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी पी सच जा नाद कहिंदे शब्द नू शब्द दी धुनी नू नाद कह दिंदे ने जा नाद तो भाव अर्थ लैणा शब्द तां महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे किसे शब्द दी पकड़ दे विच नहीं ते फिर ये तां गल ही बड़ी गलत हो गई बई ये अर्थ करके ते आप दा सिधांत आप ही खंडन कर लिया सारा असीं ते रोज़ पढ़दे हां शब्द गुरु सुरत तुम चेला ये तो अगले का विचारां द्वारा खंडन करना सी आपदा माती खंडन करके बह गए सिद्ध आपदा करन गए सी ता सच्चे पातशाह जी कहिंदे अनादे शब्द दी पकड़ तो रहत ता फिर शब्द कादे वास्ते जपया जा रहा क्यों निर्गुण दी उपासना विच शब्द ही आउंदा है जां आत्म चिंतन एक नंबर है दो नंबर ते प्रणव उपासना जे कोई पुछे भी निर्गुण की उपासना विच करीदा की है तो शब्द उपासना ही है ओंकार की उपासना करीदी शब्द गुरु सुरत चिल उपनिषदां विच निर्गुण उपासना शब्द उपासना ही है बस तो फिर शब्द की करता है तो महापुरखां नूं सवाल किया पिंडरांवाले संतां नूं अपने पंथ रतन श्रीमान ब्रह्म ज्ञानी संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरांवाला ज्ञानी वीर सिंह जी सचखंड वासी मद्दोके आले लिखते ने महापुरश के वेड़े दे विच संत चुबारे ते सी लंबे पे ते पलंगे ते वेड़े च कोई वेदांत पढ़िया बजुर्ग सी वो कहिंदा शब्द ते उत्थे पहुंचदा ही नहीं है पिछे रह जांदा वा ते तुसी शब्द गुरु ही करते रहिंदे तां ज्ञानी जी दे मन च आई वी ये संतां ना उड़ाउणी पै के बह जाऊगा सिर फसाऊगा संतां ना ते गल बड़ी डूंगी पुछी आ इन्हें संतां नूं जवाब नहीं आउणा इस गल दा हुण ज्ञानी जी आप लिखदे आपदी निमरता दे विच भी मैं सोचिया वी कितें उहो गल ना होवे पहलां संतां नूं दस आईए भी आह गल पुछणी आ इन्हें पौड़ियां चढ़दे चढ़दे जवाब सोच लो जो संतान दसिया संत कहते फिर रोकया क्यों लिया उन्होंने उत्ते सानू तो चा चढ़ता जो कोई योजा आवे तो कहता महापुरशो शब्द तो उत्थे पहुँचता ही नहीं संत कहते शब्द पहुँचता नहीं है शब्द पचा तो दिता है ना कहता जी किवें किवें कहते जिमें हाथ च वटा फड़ के मार गए तो वटा निशाने जाके डिगदा हाथ तो उत्थे ही रहिंदा है ना
ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸੁਰਤ ਪਾ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਹਿ ਬੋਲ ਤੈ ਅੱਛਰ ਆਵਾ ਜਹਾਂ ਬੋਲ ਤੈ ਮਨ ਨਾ ਰਹਾਵਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਮੱਧ ਹੈ ਸੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਾਦ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਐਸੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਨਮਸਤੰ ਅਛੇਦੇ ਛੇਦਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਡੋਬਿਓ ਨਾ ਡੁੱਬੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਡੋਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਖਿਓ ਨਾ ਜਾਏ ਕੱਟਿਓ ਨਾ ਕੱਟੇ ਨਾ ਬਾਰਿਓ ਬਰਾਏ ਛਿਜੇ ਨਾ ਨੈਕ ਸੱਤ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਤ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਏ ਆਤਮਾ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਨਮ ਛਿਦੰਤੀ ਸ਼ਸਤਰ ਰਾਣੀ ਨੈਨਮ ਦਹਿਤੀ ਪਾਵਕਾ ਨਾ ਚਾ ਕਲੇ ਦੰਤੀ ਆਪੋ ਨਾ ਚਾ ਸੋਚੇਤੀ ਮਾਰੂਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਨਾ ਅੱਗ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਸੁਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਅਛੇਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਧੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਅਗਾਧੇ ਅੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਗਨੀ ਆਦਿਕ ਪੰਜ ਤੱਤ ਧਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਗਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਦੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਥੱਲਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗੰਜੇ ਅੱਗ ਤੇ ਅੰਜੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੋੜੀਏ ਅੱਗ ਮੈਲੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਆਦਿਕ ਅਗਨੀ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅੰਜੇ ਮੈਲੇ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਅੰਜੇ ਉਪਸਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੰਜੇ ਅਬ ਅੰਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਰਕੇ ਅਬ ਅੰਜੇ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਨਮਸਤੰ ਉਦਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਦਾਰ ਨੇ ਸਖੀ ਨੇ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ ਸੂਮ ਨਹੀਂ ਕੰਜੂਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਆਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਖੀ ਹੋ ਦਾਨੀ ਹੋ ਦਾਤੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਮ ਧਨ ਧਨੀ ਉਦਾਰ ਤਿਆਗੀ ਸ਼ਰਵਣ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਸੁਜਸ ਤੁਮਾਰ ਮੰਗੋ ਕਾਹੇ ਰੰਕ ਸਭ ਦੇਖੋ ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੋ ਨਿਸਤਾਰ ਜੈ ਦਿਓ ਨਾਮਾ ਬਿਪ ਸੁਦਾਮਾ ਤਿਨਕੋ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਹੈ ਅਪਾਰ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਦਾਤੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤ ਨਾ ਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਸਕੁੱਚ ਪਠਾਏ ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਦੁਬਲਾ ਨੰਗ ਭੋਕੀ ਪੀਰ ਦਮੜਾ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਵੇ ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੇ ਧੀਰ ਸਵਾਰਥ ਸਵਾਉ ਨਾ ਕੋ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਛ ਹੋਵੇ ਕਾਜ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਨਿਹਚਲ ਹੋਵੇ ਰਾਜ ਐਸੇ ਉਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
बाबा जी नू के हे फरीद मैं रोजे खोलने ने मैनू खंड ते घ्यो लिया के दे। ता पुछदे माता जी किन्ना क चाहिदा है, कहिंदे पाइया खंड पाइया घ्यो। ता आप भजन सिमरन करन चले गए ते भजन सिमरन सिमरन करदे ऐसे लीन हो गए, ऐसे खुब गए कि खंड खुंड उत्थे की रहनी सी चेता ही ना रहा किसी चीज का। ऐसी सुरती बिरती वाहिगुरु च लीन हुई। ता वाहिगुरु जी ने सोचिया भी ये ता हुण मेरे च ही लीन हो गए ने। उत्थे माता खड़ी घरे खंड ते घिओ उड़ीकदी पई है। ताप शाहूकार का रूप धारण किया, खंड की बोरी घ्यो का कुप्पा नौकर नूं चुका के उत्थे घर दे मूहरे छड के भगत फरीद साहब जी ने भेजा है। सिमरन भजन तो बाद आप जी जदों वापस आए ता माता ने दसिया भी कोई शाहूकार खंड ते घ्यो छड गया है, पर मैं ते बड़े थोड़े मंगाए सी। वो एक बोरी खंड दी एक कुप्पा घ्यो दा जां कड़ा घ्यो दा छड गया है। ता महाराज जी कहण लगे बाबा फरीद साहब माता ये पाइया ही आ। कहिंदी नहीं पाइया नहीं, उहदे बोरी खंड दी है कड़ा घ्यो दा है। ता बाबा जी कहण लगे रब दा पाइया है, जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात। जिड्डा वड्डा वो मालक है ओडे वड्डे ही उहदे पाइए ने, ओडियां वड्डियां ही उहदियां दातां ने। जिवें कोई राजा सी ना किसे संत दे पेट च दर्द होया ते कहिंदा चुड़की इक खंड चाहीदी है। राजे ने वजीर नूं हुकम कीता भी गोदाम खोल दो। संत कहिंदे मैं गोदाम तो की करना, मैनू ते चुड़की इक चाहीदी है। कहिंदे महाराज तुहाडा वचन ठीक है पर मैं बादशाह वां ते जे मैं चुटकी क दऊंगा तो लोग की कहणगे एडा वड्डा बादशाह हो के चुटकी की। साडियां चुटकियां कहिंदे एडियां ही होंदियां गदामां जिड्डियां, ते जिहड़ा बादशाह होवेगा वाहिगुरु परमेश्वर होवेगा उहदी किड्डी वड्डी दात होवेगी। इस करके सच्चे पातशाह कहिंदे नमस्तंग उदारे, आप जी तो वड्डा सखी कोई नहीं, दाता कोई नहीं है, दानी कोई नहीं है। जां उदार कहिंदे श्रेष्ठ नूं आप जी तो उच्चा कोई नहीं है। इस करके आप जी नूं नमस्कार है। नमस्तंग अपारे उदार पार रूपी हद्दां तो आप जी रहत हो, बेअंत हो। देश करके अंत नहीं, काल करके अंत नहीं, वस्तु करके प्रशेद अंत नहीं। हर जगह ते हाजर हो, हर समय दे विच हाजर हो, व्यापक हो, हर वस्तु दे विच निर्गुण स्वरूप करके समान चेतन करके बैठे हो। इस करके आप जी का अंत नहीं पाया जाता। जां पारे पालना तो रहत हो, जिवें परिवार पाली दा है, बच्चे पाली दे हन, इदां आप जी की पालना करन वाला कोई नहीं, आप संसार की पालना करन वाले हो। ऐसे वाहिगुरु सच्चे पातशाह जी आप जी नूं नमस्कार है। होईयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा, सारियां संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अपने चरणां विच हाजरी प्रवान करन, सरबत संगत ने हाजरी प्रवान करनी, धन बाबा जवाहरदास जी हाजरी प्रवान करन। लेखै कते ना छुटीऐ खिन खिन भूलण हार, बख्शन हार बख्श लै नानक पार उतार। नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अपारे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।